हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में किस तरीके से एलसीएम कैलकुलेट किया जाए ये आज आपको सिखाऊंगा। तो आइए दिखाता हूँ। देखिए, एक्सेल की मैक्सिमम कोडिंग सी लैंग्वेज पे ही की गई है, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाया गया। यहाँ पर जैसे मैं एलसीएम टाइप करता हूँ, यहाँ पर एलसीएम वाला फॉर्मूला आ जाता है और जिन जिन चीज़ों का आपका आपको एलसीएम निकालना हो वहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। जैसे मुझे 5 का 90 का और 6 का इनका एलसीएम चाहिए, तो यहाँ पर उनका एलसीएम आपके सामने है 90। ठीक है, अगर आप 2 का 4 का निकालना चाहते हैं, जो भी निकालना चाहते हैं वो यहाँ पे आप देंगे। जैसे 2 का दे दिया 4 का दे दिया, यहाँ 7 का दे दिया और 8 का दे दिया, इन सब का एक साथ निकालना चाहते हैं, एंटर करिएगा, यहाँ पे एलसीएम आपके सामने आ जाएगा। ये एलसीएम का बना बनाया फॉर्मूला आपको एक्सेल में मिल जाता है। ठीक है,